जय दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो यार नई रिक्वेस्ट आ रही थी कि VW के ऊपर वीडियोस बनाओ, फॉक्सवैगन कार के बारे में क्या विचार हैं आपके वो रखो। और कुछ लोग कंपैरिजन भी कर रहे थे कि यार ब्राजा का टॉप मॉडल ले या फिर टाइगुन का बेस वेरिएंट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को कोलैब कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि फॉक्सवैगन टाइगुन खरीदे या फिर आप चाहें कि ब्राजा की तरफ चले जाएं, क्या एक समझदारी भरा फैसला होने वाला है। देखो ये दोनों कार ना बहुत डिफरेंट पर्पस सर्व करती हैं। गलत कार ले ली ना तो ऐसा पिस जाओगे, रो पड़ोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देख लेना वरना रो पड़ोगे। गलत कार अगर आपने ले ली, क्योंकि ये दोनों कार ऐसी हैं कि अगर हाथ से छूटी ना तो दिल दुखेगा, पर उसके ना दोनों के पर्पस बहुत अलग अलग हैं, उनके यूजेज अलग अलग हैं। सारी डिटेल बताऊंगा मैं, सारी बात करने वाला हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वीडियो में मगन हो जाओ भाई, खो जाओ, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लेट्स गो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉक्सवैगन टाइगुन या फिर फॉक्सवैगन एज अ ब्रांड किसे खरीदना चाहिए, किसके लिए है ये। मैं कंपेयर भी करूंगा इसको ब्राजा से, धीरे धीरे बढ़ेंगे इसकी तरफ। देखो फॉक्सवैगन का अगर मैं नाम लेता हूँ ना, मैंने खुद पोलो ओन करी हुई है, मैंने खुद पोलो चलाई है तकरीबन 7 साल 8 साल, और मैंने उसको 1,00,000 किलोमीटर ड्राइव करा था। तो फॉक्सवैगन के बारे में मुझे काफी चीजें पता है, सर्विस कॉस्ट क्या पड़ती है, कैसे क्या है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। एक तो फॉक्सवैगन के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट मेरी इसलिए भी है, वो कंपनी बिना किसी रीजन से बहुत वक्त पहले से ही ना सेफेस्ट कार बना रही थी। इवन जो पोलो भी थी ना, पोलो 2011 पता नहीं जब भी लॉन्च हुई होगी वो, और यूरो एनकैप से 5-स्टार सर्टिफाइड थी वो भाई, मतलब ग्लोबल एनकैप जो होता है, यूरो एनकैप होता है, उससे 5-स्टार रेटेड कार थी पोलो। और यहाँ पर अगर आप इनकी बाकी कार्स भी देखते हो, इवन टाइगुन भी ग्लोबल एनकैप 5-स्टार है। तो जब कोई मांग भी नहीं रहा था ना, ये लोग तब भी 5-स्टार सेफेस्ट कार बना रहे थे। इनका सेफ्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव रहता है इस कंपनी का। दूसरा जब मैं फॉक्सवैगन का नाम लेता हूँ भाई, मैंने 1200cc की कार अपनी पोलो ना 150-150 भी भगा रखी है, 160 भी भगाई है मैंने एक बार तो। और वो जो कार थी उसकी जो स्टेबिलिटी थी उस स्पीड पे भी ना जो रहती थी वो काबिले तारीफ थी। अब तो इनका जो इंजन आ रहा है वो आपको 1.5 मिलने वाला है यहाँ पे, साथ ही में 1 लीटर का टर्बो इंजन मिल रहा है अगर मैं बेस मॉडल से कंपेयर करूँ। क्योंकि ब्राजा का टॉप मॉडल जो ZXI आता है वो अराउंड लगभग 13 लाख के आसपास आता है, यहाँ पे 13.5 लाख के आसपास इनका टाइगुन का बेस मॉडल आता है जिसमें आपको TSI इंजन मिलता है जो कि टर्बो चार्ज इंजन होता है। पर इसका जो फॉक्सवैगन का टर्बो चार्ज है ना, इसको आप इससे मत कंपेयर करने लगना सोनेट वाले से या फिर कोई, इसका एक लेवल अप ही होता है। फॉक्सवैगन का इंजन मतलब कुछ और ही चीज, बिल्कुल एक लेवल अप, समझ रहे हो, टॉप नॉच गेम जिसे बोलते हैं ना इंजन के मामले में, स्मूथनेस भगाने के मामले में, पावर टॉर्क, आई मीन बाकी कंपनीज इसके बराबर पावर दे देंगी, पर जो बात फॉक्सवैगन के इंजन में होती है ना, इनकी लाइफ भाई 2-2.5-3-3 लाख किलोमीटर भी होती है, और काफी सटीक इंजन होते हैं, बिल्कुल नापे तोले, बहुत ज्यादा एरोडायनामिक्स पे काम करना, मतलब फॉक्सवैगन एक बीइंग अ जर्मन ब्रांड, स्कोडा फॉक्सवैगन आपको पता ही है, ये सारे एक ही हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ब्राजा की, तो वो एक बहुत डिफरेंट पर्पस सॉल्व कर रही है। 13 लाख में वो आपको टॉप मॉडल ही दे दे रही है बिल्कुल, ठीक है। टाइगुन में अगर आप देखोगे मेन डिफरेंसेस क्या हैं, यहाँ पे आपको जो बेस मॉडल मिलता है टाइगुन की अगर मैं बात करूँ, उसमें आपको सनरूफ नहीं मिल रही, पर ब्राजा में आपको सनरूफ मिल रही है, एलॉय लगे हुए मिल रहे हैं आपको, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। आई मीन फीचर रिच कार हो जाती है, ऑलरेडी सारे फीचर आपको मिल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर अगर हम टाइगुन की बात करते हैं तो ये एक एडवांटेज कहलाती है। फॉक्सवैगन जब आप चलाते हो ना यार, तो एक होता है BMW ऑडी, और एक बंदा लेके घूम रहा है फॉक्सवैगन टाइगुन, तो वो उसका एक अलग ही टोरा होता है, क्योंकि उसका रीजन ब्रांड से ज्यादा ये है कि भाई ये खर्चीली गाड़ी है। फैक्ट बताऊं तो मैं आपको, खर्चीली कैसे, जैसे मेरी पोलो जब मैं 2018-19-20-21 में भी सर्विस करवाता था, इवन मैंने अभी रिसेंटली तो बेची है यार, 2022-23 में भी अगर आप सर्विस सेंटर से उसकी सर्विस करवाते हो तो 10,000 रुपये तो कहीं नहीं गए, 10,000 रुपये की सर्विस पड़ती है। उसके बाद जो उसके पार्ट्स है ना वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इसके पार्ट ना भाई 8-7 साल तक 10 साल तक तो कहीं जाते ही नहीं है। बहुत मुश्किल ये है कि फॉक्सवैगन के पार्ट खराब हो जाए, पर महंगे हैं, सर्विस महंगी है, लेबर वर्क ज्यादा है, सब कुछ महंगा है। वहीं अगर हम मारुति की बात करते हैं, वो एक डिफरेंट पर्पस सॉल्व कर रही है। वहां पे आपको 1.5 लीटर का जो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है, 4 सिलेंडर वाला, उसकी मेंटेनेंस कम है, उसकी भी लाइफ ज्यादा है, 1.5-2 लाख किलोमीटर आराम से चलता है वो, ज्यादा भी चल सकता है अगर आप तमीज से चलाओगे तो। और यहाँ पे ग्लोबल एनकैप 4-स्टार सेफ्टी लेकर आती है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो इधर फीचर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। DRLs लग रही है, LED लाइट्स मिल रही है, तो यहाँ पर भी लाइक समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मारुति का जो गेम है वो एक अलग लेवल पे चल रहा है, वो थोड़ा कंज्यूमर जेब के हिसाब से बना हुआ है। सर्विसेज इतनी महंगी नहीं जाती है, लेबर वर्क इतना महंगा नहीं जाता है, कल को वारंटी जब खत्म होती है आप शोरूम्स के अलावा कहीं और काम करवाते हो, बहुत आराम से काम हो जाता है, लोगों को रटे पड़े हैं मारुति के इंजन, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, इजी टू मैनेज, इजी टू मेंटेन हो जाती है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर यही बात है तो मैं फॉक्सवैगन खरीदूं ही क्यों, मेरे को जरूरत ही क्या पड़ रही है टाइगुन खरीदने की। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं फॉक्सवैगन की बात करता हूँ या फिर स्कोडा की बात करता हूँ, कोई भी जर्मन कार की बात करता हूँ ना,
ये कार ना कभी जरूर चलाना आप लाइफ में, खरीदो चाहे नहीं खरीदो एक अलग बात है। इसको जब आप चलाओगे ना, यू विल एक्चुअली रियलाइज कि एक कार जिस तरीके से भागनी चाहिए, चलनी चाहिए, जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स होता है, आई मीन इन कार में ना जो एक मार्जिन ऑफ एरर होता है, जो एक स्कोप होता है गलती का ना, वो 0.1% मेरे को लगता है मिलता होगा। बहुत मुश्किल है कि ये कुछ गलती करते हो। बहुत नपीतुली सटीक कारें बनाते हैं ये, और मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं जब भी पोलो चलाता था ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करता था उस कार को भगाते हुए 130-140 पे भी। आई लिटरली एंजॉयड माई पोलो अलॉट। ठीक है, यहाँ पर अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रेजा जो है वो सटीक नहीं है, वो भगाने में अच्छी नहीं है, या फिर इसके कोई स्टेबिलिटी के इश्यूज है। पर देखो, हर चीज़ का ऊपर का एक लेवल होता है, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा फर्क तो आएगा। अगर आप डायमेंशंस भी देखते हो तो टाइगून की डायमेंशंस अराउंड 250 mm ज्यादा हो जाती है लंबी खाली, क्योंकि जब ऊंचाई की बात आती है और चौड़ाई की बात आती है तो वहां पे ब्रेजा जीत जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ब्रेजा की ही ज्यादा हो जाती है। इंजन भी टेक्निकली ज्यादा लाइफ वाला मैं ब्रेजा का ही कंसिडर करूंगा यहाँ पे। हालांकि फॉक्सवैगन का भी अच्छा होता है, बट अगर मैं इस प्राइस पॉइंट पे देखूं, एक तरफ आपको टॉप मॉडल मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको बेस मॉडल मिल रहा है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इंटीरियर्स की भी अगर आप बात करते हो तो फॉक्सवैगन के इंटीरियर्स बहुत एक्सट्रीम लेवल के हो जाते हैं यार। मतलब ये वो कार हो जाती है जो सुंदरता, अंदर बाहर खूबसूरती, मजबूती, टिकाऊनेस, पर माइलेज में खेल जाओगे फिर आप वहां पे। ब्रेजा की माइलेज ज्यादा हो जाती है, वो आपको टाइगून से नहीं मिल सकती। और एक दुख की बात ये हो जाती है कि ZXI में भी 6 एयरबैग नहीं आते और टाइगून में भी 6 एयरबैग नहीं आते। यहां पर कम से कम 6 एयरबैग तो टाइगून को देने चाहिए थे। आप 13.5 लाख रुपए ले रहे हो कंज्यूमर से, तो 6 एयरबैग्स बेस मॉडल से बनते थे। मुझे समझ नहीं आता कि सेफ्टी को भाई फीचर क्यों बना रखा है, इससे किसी का क्या इंजॉयमेंट है? ये तो जान बचाने के लिए लोगों की, फ्री में डालो भाई। मैं बहुत वीडियो में बोलता हूँ और मैं बोलता रहूंगा जब तक हर कार में 6 एयरबैग आने नहीं शुरू होंगे। सो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या है, इन दोनों कार्स का गेम क्या है, आपको चूज क्या करना है अगर आप कंफ्यूज हो अभी भी कि मैं ब्रेजा लूँ टॉप मॉडल या फिर मैं टाइगून ले लूँ। देखो, टाइगून लो तो प्लीज मेक श्योर आपका बजट आपको अलाउ करे बाद में। अगर आप देखो, मुझे नहीं पता अभी इसे कैसे वे में लोगे, अगर आप काफी पैसा जोड़कर अपनी ड्रीम कार ब्रेजा ले रहे हो, किसी की ड्रीम कार ब्रेजा है, किसी की BMW है, किसी की कुछ है, तो उस केस में ना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप टाइगून लो। अगर आपने टाइगून का ही बजट बनाया है ना, अगर आपने 15-16 लाख रुपए जोड़ रखे हैं तो टाइगून ले लो। 1-1.5 लाख रुपए का बैकअप आप हमेशा रखकर चलो अगर आप फॉक्सवैगन की कार ले रहे हो, इफ इन केस यू नीड इट। चाहे उसकी FD करा के रख दो, पर एक कार के नाम से रखना पड़ेगा आपको ऐसा फंड, क्योंकि फॉक्सवैगन की कार्स में जब कोई पार्ट खराब होते हैं तो खर्चा आ जाता है मोटा। और इसकी जो माइलेज भी है वो भी आपको थोड़ी सी कम ही मिलेगी, क्योंकि यार देखो फॉक्सवैगन का इंजन बढ़िया है, भगाओगे इसको आराम से निकलते हैं 170-180, कहीं नहीं जाती है कार भाई। मतलब काफी पावर है इस इंजन के अंदर, हल्के में मत लेना। और अगर मैं बात करूं दूसरे 1 लीटर इंजन की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार होते हैं, बट फॉक्सवैगन का 15-20% ऊपर का ही इंजन माना जाएगा यहाँ पे। कंपैरेटिवली ब्रेजा ना गुड टू गो कार है, रेडी टू गो कार है, इसको कोई भी चला सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। जिसकी सैलरी अगर 40-50 हज़ार रुपये भी है ना, उसने लोन पे ब्रेजा लिए अगर, तो एक तो ना इतनी जल्दी मारुति के पार्ट्स खराब नहीं होते, होते भी है तो सस्ते मिल जाते हैं, तो वो बंदा भी इस कार को मैनेज कर सकता है फॉर श्योर। वहीं पे मैं रेकमेंड करूंगा भाई, कम से कम भी 1 लाख रुपए सैलरी अगर आपकी हो तो ही आप टाइगून की तरफ जाना, इतना इनकम सोर्स आपका हो 1 लाख रुपए के आसपास, यानी 50 हज़ार रुपये आपका एक्स्ट्रा हैंड में पड़ा रहता हो फैमिली के खर्चे के अलावा, तो फिर आप टाइगून की तरफ जाओ, तो थोड़ी ज्यादा समझदारी लगेगी मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, आपका बजट अच्छा है और आपको कार भगाने का शौक है, तो डेफिनेटली टाइगून पे जाना एक समझदारी वाली बात हो जाएगी। देखो यहाँ पर इसके इंजन की अगर मैं बात करूं, 114 BHP 114 BHP आपको मिलती है, वहां ब्रेजा में अराउंड 100 है, और 178 न्यूटन मीटर टॉर्क हो जाता है इस कार का, और ये एक्सट्रीम लेवल पे बहुत गंदी भागती है। और जो 1.5 है ना, वो तो और भी गंदी भागती है। जो टाइगून की अगर मैं बात करूं, इसका जो 1.5 है ना, नॉर्मल वाली कारों का आप 1800-2000 CC समझ लो, काफी बढ़िया पावर और सटीक बिल्कुल नपीतुली पावर जनरेट करके देगा आपको। ओवरटेकिंग करना हो, कुछ करना हो, फलना ढिमका, भाई आंख बंद करके भगाओ इस कार को। बाकी अगर ब्रेजा की बात करें, 102 BHP आती है, 136 Nm टॉर्क आता है, तो ब्रेजा भी भाई आराम से 150 तो मैंने भी भगा रखी है, तो 150 तक भगाने वाले हो, 160 वाले हो, तो ब्रेजा को भी आप भगा सकते हो। बट अगर आप इनकी कोई रेस वेस लगवाओगे, कोई कंपेयर करने बैठोगे, तो डेफिनेटली 1 लीटर वाला इंजन भी इजिली ब्रेजा को टेक ओवर कर लेगा। पर यहाँ पर ब्रेजा के यूसेज फिर अलग हो जाते हैं, वो एडवांटेजेस यहाँ पे आपको फिर टाइगून नहीं लाके दे रही ना। ZXI में देखो आपको सनरूफ मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है, एलॉयज लगे मिल रहे हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा मिल रहा है, काफी सारे प्राइम फीचर्स लेकर आ रही है कार अपने साथ। वहां पर ये आपको देखना है कि भाई अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ 13 लाख, तो टाइगून की तरफ जाना हो जाता है एक स्टेटस मेंटेन करना, एक क्लास मेंटेन करना। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो होटलों में विजिट करता है, बिजनेस डील्स वगैरह करते हो आप, तो मैं आपको एक बार को रेकमेंड करूंगा आप टाइगून की तरफ चले जाओ, अगर आप उसे बजट मैनेज कर सकते हो। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अगर आपका बजट बनता हो ना, तो आप टाइगून लो, आप ब्रेजा मत लो।
पर अगर आप एक लिमिटेड बजट में हो, 13 लाख रुपए में ब्रेजा टॉप वेरिएंट लो, जबरदस्ती का लोन बढ़वाकर अपने पे प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस हिसाब से ब्रेजा भी बहुत तगड़ी कार हो जाती है। यहाँ पे रीसेल फैक्टर में भी ना ब्रेजा का टॉप पे रहेगा। कल को बेचोगे ब्रेजा आपको बहुत अच्छा पैसा वापस देके जाएगी। कंपैरेटिवली टाइगुन से अगर आपको पैसा लेना है ना, तो वो एक ऐसी वाली बात है कि कोई मिल जाए बस आपको जो बहुत कीन हो, मतलब पागल हो रखा हो कि भाई एक अच्छी कंडीशन की टाइगुन उसे चाहिए। इस कार की डिमांड है टाइगुन की भाई रीसेल में, पर बहुत छोटी मार्केट है, बहुत कम लोग इसे ढूंढने निकलते हैं, वो भी इंजन की वजह से लोग इसे खरीदने निकलते हैं। कुछ लोग, आपको पता होगा इनकी एमयू आती थी, उसमें 1.5 लीटर का टर्बो इंजन आता था। कुछ लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ, मेरे टच में आया, वो पागल है कि भाई एमयू मिल जाए मुझे, डेढ़ जो 1.5 लीटर वाला टर्बो चार्ज इंजन है इनका, उसके लिए। तो इंजन लवर्स डेफिनेटली भागेंगे फॉक्सवैगन के पीछे। कुछ होते हैं फिने की, एक वक्त ऐसा था जब मैं भी इसी मेंटालिटी से चलता था, इसलिए मैंने पोलो ली थी, मैंने कोई और कार नहीं ली थी उस टाइम पे, मारुति ह्युंडई, पर मैंने वो चला ली है। मेरा प्राइम लेने का वो कारण उस टाइम पे ये था, मुझे जर्मन कार चलानी थी, 5 साल अपने पास रखनी थी, मुझे समझना था क्या डिफरेंसेस आते हैं, और डेफिनेटली मैंने काफ़ी कुछ रियलाइज करा। सो यहाँ पर अगर बजट बनता है तो वहाँ जाओ, नहीं बनता तो बेस्ट चॉइस हमेशा ब्रेजा रहेगी। माइलेज वाइज अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, पैसा बचाने वाला सर्विसों में, लेबर कॉस्ट में, ठीक है, गुड टू गो कार्स के अंदर, तो वैल्यू फॉर मनी कार जो है वो डेफिनेटली ब्रेजा है, और जीवन के स्वाद मजे एंटरटेनमेंट वाली कार जो है वो टाइगुन हो जाती है। इवन अगर आप दोनों कार के टायर प्रोफाइल भी देखोगे तो 16 इंचेस का ही एलॉय साइज मिलता है आपको। सो कार्स में कोई भी कमी नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो मैंने कई बार बोला है कि ब्रेजा दिखने में बल्की लगती है, इवन दो मिड एसयूवी है, मिड साइज एसयूवी हो जाती है टाइगुन, और ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फिर भी अगर दोनों खड़ी होंगी तो थोड़ी सी लंबी चौड़ी बल्की ब्रेजा लगेगी आपको। हालांकि सस्पेंशन बाकी सारी चीजें ना डेफिनेटली 10-15% ऊपर ही आपको मिलेगा अगर मैं टाइगुन की बात करूँ उसके अंदर, ब्रेजा से थोड़ी सी लाइक ज्यादा ही है टाइगुन। बट इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रेजा बेकार कार है, आप इस कंपैरिजन का लॉजिक समझो, शेर सवा शेर वाली बात है और कुछ नहीं है। दोनों कार्स बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है, दोनों मुझे काफी अच्छे लगते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप मैं बहुत स्पेसिफिक था। अगर आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर लेना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वन।